जिला देसरी से देसरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मगर तालाब से, जहां ग्राम पंचायत मगर तालाब सरपंच रेखा देवासी निवर्तमान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मगर तालाब में चूकी बता दी खसरा नंबर 554 रकबा और हेक्टेयर किस्म बरनी दोएम के आवासीय पट्टे जारी है जो अधिनियम के विरुद्ध है। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत मगर तालाब के सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व उप सरपंच के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी व तहसीलदार देसरी को ज्ञापन दिया गया और मामले की संज्ञान जांच करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान बताया गया ग्राम पंचायत मगर तालाब के सरपंच की हठधर्मिता के चलते सरकारी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे आवंटित किए गए हैं। कई पट्टा धारक ने बताया है कि उन्होंने लाखों रुपए की एवज में पट्टे खरीदे हैं। इस मामले पर एक पट्टाधारी जो कि मगर तालाब ग्राम पंचायत के अधीन नहीं आता, उसने भी पट्टा ले लिया। पूर्व ग्राम पंचायत मगर तालाब के सरपंच उप सरपंच ने बताया है कि उन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान इस सरकारी भूमि पर राजकीय चिकित्सालय खोलने की मांग की थी, जिसे मगर तालाब ग्राम पंचायत समेत निकटवर्ती ग्रामीणों और लोग सैकड़ों की संख्या में जो कि बीमारी में निशुल्क उपचार मिल सके। मगर तालाब ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अवैध तरीके से कानूनों की अवहेलना करने हेतु नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गैर कानूनी प्रक्रिया निभाते हुए पट्टे जारी किए गए हैं। इस मामले को लेकर समुचित ग्राम पंचायत मगर तालाब ग्राम पंचायत के ग्रामीण सरपंच के विरुद्ध मोर्चा खोलकर कानूनी जांच कर सरपंच खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश जारी किए हैं। पैन के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। और उन्होंने अवैध रूप से पट्टे काट के भी हमारे ग्राम पंचायत के अलावा बाहर के गाँव वालों को पट्टे आवंटित किए, इसके लिए हमारे ग्राम से रोष है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम आपसे निवेदन करते हैं सभी अधिकारियों से, अगर वो हमारे BPL परिवार से, अगर STSC कोई भी समाज से हो तो उसको पट्टे आवंटित किए होते तो हमारे कोई फर्क नहीं होती। बाहर के प्रवासियों को 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपये एक है जो इन्होंने पट्टे काटे, इसके लिए हम ग्रामवासी बहुत उपस्थित है। हमने SDM साहब को 33 साहब को ज्ञापन दे दिया है, अगर साहब को अगर 7-15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होगी उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में जो भी कार्रवाई करे मौके पर आकर श्रीमान से निवेदन है कि आप मौका जायजा करें और जो भी ऐसे कार्य किया ना जिसने तेजा साहब ने रजिस्ट्री करवाई है इस पर, तो वो अधिकारी भी इसमें अगर फोल्ड में आ रहे अगर वो सरकारी अधिकारी के साथ धोखा कर सकते हैं वो सरपंच, तो आम आदमी साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए श्रीमान से निवेदन है कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करके इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करें और उनको ये आपसे मेरा निवेदन है।